स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। एक आर्मी ऑफिसर का जज्बा आपने तमाम मूवीज में देखा है, और फील्ड पर जब एक आर्मी ऑफिसर उतरता है किस तरह से, किस जज्बे और जोश के साथ वो निकलता है और देश की रक्षा सेवा करता है, ये भी आपने कई बार देखा और सुना। लेकिन एक आर्मी ऑफिसर कैसे एक्टिंग के लिए आगे बढ़ गया, ये आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन आज ऐसे ही एक आर्मी ऑफिसर, एक्स आर्मी ऑफिसर कहें तो ज्यादा बेहतर है, हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है, और जिस तरह से वो एक्टिंग के फील्ड में आगे आए, उन्होंने एक नया गाना तैयार किया, ये तमाम चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप जानकर ये भी जान पाएंगे कि कैसे एक व्यक्ति एक बार में आर्मी ऑफिसर था और उसके बाद धीरे धीरे कैसे वो एक्टिंग की ओर बढ़ता गया। ये तमाम चीजें आज बताने के लिए खुद वो एक्स आर्मी ऑफिसर और एक बडिंग एक्टर, उन्हें कहीं तो ज्यादा बेहतर होगा, अक्षय त्यागी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सलमान के फैन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन शायद ये सलमान के इतने बड़े फैन है कि इन्होंने एक गाना निकाला है, और उस गाने को लेकर मैं चाहती हूँ कि खुद ये बताएं कि कैसे गाना आगे बढ़ा, कैसे गाने की तैयारी हुई, और एक्स आर्मी ऑफिसर एक्टिंग की फील्ड में आखिर कैसे उतर गया। सर शुरुआत कीजिए। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूँगा कि आपके चैनल पे मेरे को आपने इनवाइट किया। तो देखिए मैम, पहले मैं पैरामिलिट्री फोर्स में था, तो और काफ़ी टाइम मैंने वहाँ पे अपनी जॉब की है, सेवाएं दी हैं भारत देश के लिए, अपने लिए। तो मैंने आप हैदराबाद, मणिपुर, नागालैंड, और लास्ट पोस्टिंग मेरी थी श्रीनगर में अवंतीपुरा, तो वहाँ से मैंने रिजाइन दिया। कुछ फैमिली इशूज़ हो गए थे, देन आई रिजाइन। बट उस दौरान मैंने एक सेटिस्फेक्शन जो होता है दिल में कि हाँ यार, मैंने देश के लिए कुछ किया है, तो वो मेरे अंदर था। और कोई फैमिली इशू थे तो मुझे रिजाइन करना पड़ा। लेकिन उसके आने के बाद मुझे लगा अब क्या करना चाहिए, तो मैं फिटनेस ट्रेनर रहा। लेकिन धीरे धीरे एक एंटरटेनमेंट का जो अंदर होता है, एक हर इंडियन के अंदर होता है कीड़ा कि भाई एक्टर बनना है, मतलब कुछ होता है, स्क्रीन पर आना है। तो मैं अभी एक काम से मुंबई गया हुआ था, तो मेरे एक फ्रेंड थे राघव, प्रदीप राघव, तो हम बातें कर रहे थे, तो मैं वो राइटर भी अच्छे जी। तो मैं भी लिखता हूँ, तो हमने बैठ के वहाँ पे कुछ लिखा, तो कंप्लीट नहीं हो रहा। तो जब मैं वापस दिल्ली आया तो हमारे एक राइटर साहब और थे प्रवीण जी, तो हमने बैठ के उस सॉन्ग को कंप्लीट कराया। और फिर हमारी एक मैडम है नीलम कटारिया जी, तो मतलब उन्होंने फाइनेंस किया। तो धीरे धीरे एक मेकिंग ऑफ फैन सलमान का कंप्लीट हुआ, तो अब आपके सामने है और लाखों में उसके व्यूज आ चुके हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जाहिर सी बात है, खुशी जो है वो आपके चेहरे पर झलक रही है। लेकिन आपकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए, आपने आर्मी ज्वाइन की, एक तरह से सीआरपीएफ के आप कमांडो रहे, और बहुत कुछ अपनी जिंदगी में आपने देखा। वो जिंदगी और ये जिंदगी कितनी अलग है और कितनी कॉमन है? आम जनता से अगर हम कहें कि एक आर्मी ऑफिसर कैसे एक्टिंग की फील्ड में आ गया, तो आप उन्हें क्या क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पहले आपने बोला कि कितना अलग है आर्मी लाइफ और एंटरटेनमेंट लाइफ, कितना अलग है। सबसे पहले मैं बता दूं कि बिल्कुल ही अलग है। आर्मी लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ होती है, आपको 24 आवर डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, नाइट डे कोई आपके पास टाइमिंग नहीं होती, आपको जॉब करनी करनी है, आप कभी मना नहीं करते, डिनाई नहीं करते। एक्टिंग लाइन तो ऐसी है कि आपको एक टेक देने के लिए 10-10 बार आपको मौका मिलता है कि, लेकिन आर्मी में ऐसा नहीं होता। आप फील्ड में, ऑपरेशन में, तो वन टेक ही काफ़ी होता है। अगर आप उसमें कुछ बच गए तो बच गए, नहीं तो भगवान जी हैं हमारे, वेट करते रहते हैं भैया किस किस को बुलाना है, तो वहाँ कोई टेक नहीं होता है। और इस लाइन में काफ़ी सारे टेक्स होते हैं, अगर आपका शो अच्छा नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि दोबारा लीजिए। आर्मी में गोली कभी टेक नहीं पूछती है, जब दुश्मन की आतंकवादी गोली आएगी तो सीधी वो सीधा, कोई टेक नहीं। गोली का जिक्र किया, मैं पूछना चाहती हूँ कोई ऐसा वाक्य आपकी जिंदगी में जब ऐसा कुछ हुआ हो, दुश्मन की गोली आपके सामने आई हो, आपने मौत को अपने सामने देखा हो, और देश को बचाने के लिए अपने योगदान को आपने देने की कोशिश की हो, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम एक्सपीरियंस क्या रहे? मैम काफ़ी हैं, एक नहीं है, क्योंकि मेरी पोस्टिंग मोस्टली फील्ड में रही है, नागालैंड, मणिपुर, श्रीनगर। मेरे जो बिल्कुल मेरे साथ में जो भर्ती हुए थे लड़के, मेरे दोस्त थे, मैंने उनको मरते हुए देखा अपनी आंखों के सामने। ये मैं आपको श्रीनगर का इंसिडेंट बताऊँगा। 13 अगस्त 2007 मेरी श्रीनगर अवंतीपुरा में पोस्टिंग थी, तो सीओ साहब की गाड़ी पे अटैक किया था उन्होंने, लेकिन वो गाड़ी कर नहीं पाए थे, वो बुलेट प्रूफ थी, तो लास्ट वाली गाड़ी पर उन्होंने अटैक किया था। और हमारे मेरे बैच के दो लड़के जो हम साथ में रहते थे, खाते थे, 40 फीट हवा में टेम्पो गया था। मैम इतना बड़ा 100 kg का आईडी उन्होंने लगाया था, तो मतलब देखा था अपनी आंखों से। और मणिपुर में भी मैं आईजी कमांडो टीम में था, तो वहाँ पे मेरे पैर में एक बुलेट रिकोचिट बोलते हैं, आप नहीं समझोगे उस भाषा को, रिकोचिट होगा गाड़ी में लग के हुआ था, तो देश के लिए भी खून बहाया, ऐसी बात नहीं कह सकते। और मणिपुर में हमने आतंकवादी भी दो पर पड़े थे, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी मेरे को मिला था,
तो काफी जॉब का तो सेटिस्फेक्शन है कि यहाँ देश के लिए कुछ किया है। बिल्कुल अक्षय जी, आपने बताया कि आपने आर्मी में क्या क्या किया, कैसे अपने सामने बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखी, उसके बाद से अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप आए, आपका वेलकम हुआ, आपकी टीम कैसी रही, क्या ढूंढने में आपको वक्त लगा, क्या चीजें ढूंढने में आपको वक्त लगा, आपको सोर्सेज ढूंढने में वक्त लगा, यानी कि आर्मी से निकलकर क्या इस इंडस्ट्री में आपका वेलकम हुआ और कैसे हुआ, कौन लोग थे जो साथ में लगातार बने रहे? देखिए बी फ्रैंक कहूँ, कोई वेलकम नहीं होता इस इंडस्ट्री में, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आप मुंबई भी जाकर देखोगे, लाखों लोग वहाँ पे जाते हैं रोज और वापस भी आते हैं लाखों, हर रोज़ एक ट्रेन कहते हैं हीरो बनने के लिए जाती है और एक ट्रेन वापस भी आती है सेम नाइट को, तो ऐसा नहीं कह सकते वेलकम हुआ है। बट ये है कि कुछ भगवान जी की मर्जी भी होती है, कुछ चीज़ ऐसी हुई कि ऑटोमेटिकली मेरा कुछ रुझान तो था बट ऐसा नहीं था कि एकदम से ऐसा कुछ हो जाएगा। कुछ लोग मिले मुझे ऐसे कि भाई इन्होंने अप्रोच किया कि आप कर सकते हो, और मैंने कुछ काम अपने ऊपर किया हुआ था तो धीरे धीरे हुआ, एकदम से कुछ नहीं होता है। तो आज आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो एकदम से कोई नहीं आता है, कोई ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि आप एकदम से आप अच्छे लंबे तगड़े स्मार्ट हो दिखते हो, तो हिंदुस्तान में उसकी कमी नहीं है, हमारा हिंदुस्तान तो है ही इतना अच्छा है तो हर तरह की हुआ है, तो लेकिन एकदम से कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसमें एकदम से आ जाएँ, मेहनत करनी पड़ती है और हर चीज में कोई भी फील्ड हो। बिल्कुल, देखिए आपकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाती हुई नजर आ रही है अपने दम पे, आप लाखों में व्यूज भी ला रहे हैं उस गाने पर। चलिए गाने की बात करते हैं, क्योंकि गाना काफी दमदार लग रहा है और सलमान के फैन को लेकर ये गाना बना है आपने, कुछ एक्शंस भी उसमें किए गाने में, और बिल्कुल आप लग रहा है कि सलमान खान की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, और देखिए फिर से आपने वही किया, तो ये ऑडियंस को बहुत पसंद भी आ रहा है, इसीलिए उसके व्यूज बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो उस गाने की प्लानिंग माइंड में कैसे आई, कैसे सोचा कि सलमान को लेकर ही गाना बनाया जाए? देखिए मैम, सलमान खान जो एक नाम है वो अब नाम ही नहीं है, इंडिया में एक ब्रांड है नो डाउट, वो काफ़ी चैरिटी भी उनका बीइंग वुमेन इतना फेमस है कि नो डाउट वो देश के लिए भी काफ़ी कुछ करते हैं। तो जब हम बैठे थे मैं और प्रदीप, एक दिन प्लान कर रहे थे, मेरा दोस्त है राघव, तो उस दिन डिसाइड हुआ कि क्या यार कुछ अच्छा सा बनाए, कुछ लिखा जाए, तो एक टैगलाइन सी दिमाग में आई ऐसे ही बैठे बैठे, मतलब कुछ ऐसे वो नहीं किया हमने कि थोड़ा फैंस है सलमान का रुक्का, क्योंकि कहते हैं रुक्का हो रहा भाई जान, हम हरियाणा से भी बिलोंग, मेरा टच है हरियाणा, टचअप मेरा बहुत ज़्यादा, नजफगढ़ का मैं रहने वाला हूँ तो मेरा टचअप थोड़ा सा हरियाणवी एक्सेंट बहुत बढ़िया आड़ा मिला है भाई, दोनों लैंग्वेज हम बोल रहे हैं तो अपने हरियाणा वाले भैया के लिए बताऊँ जी, हम बैठे उड़े प्लान कर रहे थे कि भाई क्या बनावाएं, तो देसी लैंग्वेज हमने बनाया छोरा फैंस है सलमान का रुक्का हो रहा भाई जान का, और फुल वॉल्यूम में गाना बजा कर पर्दा पड़ू कान का। तो हमारे जो हरियाणा कल्चर में आप देखोगे जी कि डीजे सॉन्ग पे बहुत डांस वगैरह करते हैं सब, तो ऐसा था कि यार कोरोना टाइम चल रहा, कुछ ऐसा भी इंटरटेन हो पब्लिक का, कहते हैं ना हंसने से और अच्छा सुनने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और कोरोना हारता है, तो अच्छा सा एक अच्छा म्यूजिक तैयार करा के इसमें हमने एक ये सॉन्ग तैयार किया है, और लोकल इसमें पैन इंडिया कह सकते हैं, टोटली हमारा फुल हरियाणवी सॉन्ग नहीं है बट हरियाणवी भाई भी हमारे हैं जो इसके बड़ा अच्छा इसको व्यू मिल रहे हैं, हमें पता लग रहा है जिस हिसाब से, तो बड़ा अच्छा सा मन पड़ा ये, यानी कि हरियाणा वाले फैंस के लिए भी खासतौर पर ये गाना है तो उन्हें भी सुनना चाहिए। आर्मी में आपके सामने जब आप फील्ड पर गए तो बहुत से दुश्मन आए, लेकिन इस गाने को लेकर भी बहुत से दुश्मन आपके पहले से पैदा होने लग गए हैं, बहुत ही कंट्रोवर्सीज सुना है इस गाने को लेकर, अभी तो गाना जस्ट आया ही है, कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई, ऐसा क्यों, क्या है गाने? ये रही लीगल नोटिस ताजा ही मेरे पास आया, कोई हमारे भाई हैं, अब ये नहीं पता है ये सलमान खान की तरफ से किसी के थ्रू आया या डायरेक्ट उन्होंने दिया, क्यों दिया, अब इसके लिए मेरी जो लीगल टीम है वो देख रही है क्या जवाब देना, 15 दिन का हमें टाइम दिया गया है, हम इसका जवाब बिल्कुल देंगे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि इसका जवाब सीधा सीधा तो यही है कि हमने सलमान जी का नाम यूज नहीं किया है, एज ए फैन हमने एक बनाया कि फैन सलमान का है कोई, और सलमान खान के आज की डेट में इंडिया में करोड़ों फैन है सर, तो उसमें से मैं भी एक हूं। और रही बात गाने की, मैम ऐसे गाने तो पहले भी काफ़ी आए हैं, आपने एक गाना सुना होगा काफ़ी चला था, मैनू पता सी तू फैन सलमान खान दी, और एक अपने एक और आया था कि मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन, तो हमने भी एक बनाया है, और कंट्रोवर्सी तो नहीं कह सकते, कंट्रोवर्सी के लिए तो हमारी राखी सावंत जी कंट्रोवर्सी किंग काफ़ी हैं, और वो केआरके, वो छोटा सा ना केआरके, वो जो पचा सलमान खान जी के पीछे पड़ा रहता है वही काफ़ी है, और अपनी फजीयत भी कराता रहता है, तो वो हैं केआरके और राखी सावंत जी के, उसके लिए वो देख लेंगे, उनका काम है, अपना तो जी एक अच्छा सा गाना बना के पब्लिक का मनोरंजन करना था कि पब्लिक उसको देखे और हम इस लाइन में आए हैं, पब्लिक का प्यार मिले,
इतना ही काफी हमें जी, कंट्रोवर्सी से हमें बचा के रखिए। कंट्रोवर्सी के बीच गाना फिर भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसके लाइक्स एंड व्यूज बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग उसे पसंद कर रहे हैं, आपको भी पसंद कर रहे हैं। उसके लिए थैंक यू आपका। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ये तो आपका पहला गाना हुआ और बहुत जी जान से आपने मेहनत कर इसे बनाया भी है, लेकिन आगे की प्लानिंग क्या है? क्या एक के बाद गाना छोड़ देंगे या फिर और कुछ लिखेंगे, नया लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, लोगों को और पसंद आए ऐसा कुछ लिखेंगे? देखिए मैम, आगे की प्लानिंग बता दूँ, मेरा एक और सॉन्ग शूट हो चुका है और जल्दी एक और इंटरव्यू हम आपको नेक्स्ट वीक ही देंगे। इसके रिगार्डिंग भी पूरा कंप्लीट है, एडिटिंग चल रही है, पोस्ट प्रोडक्शन वर्कआउट चल रहा है उसका। लेकिन एक चीज़ अभी नोट की, मैं आपके स्टूडियो में आने से पहले आप भी देख रहे थे, सर भी थे, कि मेरे पास अभी जस्ट मुंबई से कॉल आई थी और आई थिंक नेक्स्ट वीक मैं मुंबई जा रहा हूँ एक प्रोजेक्ट के लिए, वेब सीरीज़ के लिए, और कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कुछ सॉन्ग्स मेरे 3-4 पाइपलाइन में है अभी। लेकिन मेरा मुंबई और चेन्नई से भी कुछ है तो मेरे वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चेन्नई में मेरी कुछ बात चल रही है और मुंबई में मैं आई थिंक नेक्स्ट वीक में जा रहा हूँ, मेरे कुछ लुक टेस्ट होते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए मेरा प्लान है। तो जल्दी आपको वेब सीरीज वगैरह में भी देखने को मिलेंगे। पहली बार ऐसा होगा, आपने काफ़ी देखा होगा कि हरियाणा सिंगर यूपी हमारे जो नॉर्थ इंडियन वाले होते हैं सॉन्ग्स कब से आते हैं लेकिन यहीं पे रह जाते हैं। मैं सभी भाइयों को कहूँगा कि धीरे धीरे ना, अब थोड़ा सा हमारा इंडिया हरियाणा इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोथ कर रहा है तो अब धीरे धीरे हम भी अपनी पकड़ बनाएं, वरना अब सब बोलते थे हरियाणवी गाने तो ऐसे होते हैं, तो अब हमने थोड़ा सा चेंज किया, अच्छे लेवल पे शूट किया, दिखाया कि भाई अब हरियाणा वाला नहीं है, पंजाब और बॉलीवुड को भी हम दिखा रहे हैं कि इस टाइप के सॉन्ग्स आ सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, बढ़ना चाहिए सबको, मैं तो सभी कहूँ जितने अपने भाई हैं हरियाणा इंडस्ट्री के, कि आप भी थोड़ा धीरे अगला लेवल अचीव करना है मैम, अब इसी लेवल पे नहीं रहेंगे। टक्कर जो है वो आर्मी फील्ड में भी दुश्मनों को दिया और कहीं ना कहीं अब अपने नए सॉन्ग के जरिए कमाने टक्कर देने के लिए तैयार है उन सभी दुश्मनों को, जो चाहे कुछ भी कर ले इनके गाने पर, कॉन्ट्रोवर्सी या फिर और कोई प्लानिंग, लेकिन इनका जज्बा देखिए, जिस तरह आर्मी की फील्ड में रहता है वैसे ही यहाँ पर भी इनका जज्बा बरकरार है और हरियाणा के और बड़ी सिंगर्स को भी एक संदेश दिया है कि आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं, इसीलिए जो पोटेंशियल है उसको खराब मत होने दीजिए। हम उम्मीद करते हैं अक्षय जी कि आपके आने वाले जो गाने हैं वो और भी अच्छे हों और मेहनत आप करें और सक्सेस आपको मिले। फिलहाल इस खास बातचीत में इतना ही, आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।